अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर ट्रक चालक बिहार भर में हड़ताल पर हैं और सुबह से ही ट्रक चालकों ने अपने वाहनों को बंद कर रखा है और जीरो माइल में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ट्रक चालकों ने बताया कि 2019 में सरकार ने काला कानून बनाया था और हम लोगों ने उसे हटाने की मांग की थी। वहीं लॉकडाउन में हम लोगों का ट्रक परिचालन बंद था, लेकिन सरकार ने टैक्स में कोई छूट नहीं दी। सड़कों पर पुलिस के द्वारा अवैध वसूली से हम लोग कई वर्षों से परेशान हैं। जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, प्रदर्शन और हड़ताल यूं ही जारी रहेगा। हम लोग का मांग है 2019 का काला कानून को वापस करने का बात हुआ था। पर साल भी हम लोग बंदी किए थे अगले साल 2019 में, और उस समय सरकार 3 महीना का समय मांग रही थी, लेकिन हम लोगों को सरकार ठगने का काम किया और कोई काला कानून में न संशोधन हुआ न कोई बदलाव हुआ। तो हम लोग एक बार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और फिर दोबारा इस मांग को हम लोग रख रहे हैं कि 2019 का जो काला कानून है उसको वापस किया जाए। लगातार काल कितने दिन चलेगा ये? लगातार अनिश्चितकालीन बंदी है। हम लोग और भी बहुत सारी मांग है। हम लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं, लॉकडाउन में हम लोग का ट्रक का परिचालन नहीं हो सका और हम लोग को टैक्स फुल सरकार ले रही है, यहाँ तक कि इंटरेस्ट के साथ ले रही है। पूरे स्टेट में, हर स्टेट में, भारत का जितना भी राज्य है सभी राज्यों में खेती पर फाइन खत्म हो गया, परंतु बिहार सरकार को बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं। इसके अगले स्ट्राइक में भी हम लोग मांग किए थे तो कहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम लोग फाइन फिटनेस पर 50 रुपये का रोज फाइन लग ही रहा है, तो ये हम लोग को वापस करना होगा सरकार को, और हम लोग को उचित दर पर बालू मुहैया कराना होगा। 2200 रुपये CFT का जो रेट बालू का है उसका 3200 रुपये CFT पर ट्रक पर 8-10 हज़ार रुपये का लूट बालू माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग शोषण हो रहे हैं और प्रत्येक पुलिस पब्लिक को हमारा ट्रक का कोई अधिकार नहीं है, ट्रकों को लूट कर अवैध वसूली करते हैं, ट्रकों को रोक कर। इस पर सरकार अविलंब लगाम लगाए। अगर इसको ट्रक को परिचालन पर पुलिस के द्वारा रोक नहीं लगाया गया, अवैध वसूली चालू जब तक रहेगा तब तक हम लोग अपने ट्रक का परिचालन नहीं कर सकते। हाँ, पूरे बिहार में है, पूरा बिहार के हर एक जिला में ट्रकों को बंद किया गया है और हम लोग अपने ट्रक को एकदम किसी भी कीमत पर जब तक सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानेगी तब तक हम लोग इसको चालू नहीं करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।